हेलो गाइस, तो मजे में हो आप लोग। आपका भाई आपके लिए एक और न्यू ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आया जो आप भी बना सकते हो। आपको भी बनाना चाहिए, टिकटॉक का न्यू ट्रेंड है, अच्छे लाइक व्यू मिल रहे हैं, तो आपको भी क्या पता आपका भी वीडियो वायरल हो जाए। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे चलते अपने काइन मास्टर में। एक लाइक जरूर करना वीडियो को, आपका लाइक भाई के लिए बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना है कि वीडियो कैसे बनता है। स्किप करोगे तो वीडियो अच्छे से नहीं बना पाओगे। तो चलिए चलते हैं हमारे काइन मास्टर में। काइन मास्टर ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 9.16 का ये एक्सपेक्ट रेशियो ले लेना है। इसको लेने के बाद गाइज कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको सिंपली मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने जो वीडियो शूटिंग किया था उस वीडियो को ले लेना है। फिर आपको इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। सो गाइज फिर वीडियो को थोड़ा सा चलाकर देखना है कुछ इस तरह से। फिर आपको बीच में पॉज करना है वीडियो को यहाँ तक। फिर वीडियो पे क्लिक करना है, फिर कैंसिंग इंसान पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर स्लिप एड प्ले हिट पे क्लिक करना है, फिर सही के इंसान पे क्लिक कर देना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर बीच में बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार कट किया है वहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर से केक फेट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप डाउनलोड कर लेना काइन मास्टर में, उसको ले लेना है। फिर आपको यहाँ पर चार नंबर पे ये दिख रहा है, ये वाला काफ़ी इफेक्टिव है, यह ले लेना है। इसको स्पीड थोड़ा सा हम कम कर देंगे इस तरह से। फिर सही के इंसान पे क्लिक करना है। फिर गाइज देखिए इस तरह से। सो गाइज आपको यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, यानी गाइज ये वाला वीडियो स्पीड में जाना है। स्पीड में जाने के बाद इसको थोड़ा सा कम कर देना है, यहाँ पर यहाँ तक रखना है। फिर सही के इंसान पे क्लिक कर देना है। फिर इसकी भी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देनी है, फुल बढ़ा देनी है इसकी भी यहाँ तक। फिर सही के इंसान पे क्लिक कर देना है। फिर गाइज देखिए इस तरह से। फिर गाइज इस तरह से कर लेना है। फिर आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद इसको एडजस्टमेंट कर लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से गाइज फिर सही के इंसान पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड पे जाना है फर्स्ट वाला। फिर आपको ये वाला बैकग्राउंड ले लेना है, इसको ले। फिर गाइज इसको फुल जूम कर देना है। फिर गाइज इस पर क्लिक करना है। फिर आपको इसको ब्लू कर देना है। फिर सही के इंसान पे क्लिक कर देना है। सो गाइज इस तरह से इसको फुल पूरा बढ़ा लेना है वीडियो के जितना। फिर गाइज वीडियो स्टार्ट में आना है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा करने के बाद गाइज इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है इस तरह से। फिर आपको वीडियो सही के इंसान पे क्लिक कर देना है। फिर गाइज इस तरह से वीडियो देख लेना है। ये देखिए ये थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो इस कलर को क्लिक करना है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर सही के इंसान पे क्लिक कर देना है। सो गाइज इस तरह से देखिए। फिर गाइज आपको यहाँ पर आना है। फिर गाइज लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडियम जाने के बाद गाइज मैंने एक PNG फोटो डाउनलोड कर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देख गाइज ये वाली मैंने पहले से कर रखी है, इसका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ पर जूम कर देना है। फिर आपको यहाँ तक लगा लेना है। फिर गाइज सही के इंसान पर क्लिक कर देना है। फिर गाइज इसको फुल पूरा अपने वीडियो के जितना रख लेना है अपने हिसाब से। फिर गाइज इसको थोड़ा सा जूम और कर देना है, जितना आपका सेट हो उतना जूम कर देना है। फिर गाइज यहाँ पर स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है, इतनी जहाँ से आप बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हो वहाँ तक कर देनी है। फिर सही के इंसान पर क्लिक कर देना है। सो गाइज इस तरह से देख ले, ये देखिए गाइज काफ़ी इफेक्टिव वीडियो बन चुका है हमारा। फिर गाइज इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है फोटो पे। फिर आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा डाउन कर देना है। फिर इसको थोड़ा सा अप कर देंगे, इसको भी फुल अप कर देना है, इसको थोड़ा सा और कर देना है, नहीं गाइज इसको थोड़ा सा इतना ही रखना है। फिर सही के इंसान पर क्लिक कर देना है। सो गाइज इस तरह से देखिए वीडियो बनकर तैयार हो गया हमारा। सॉरी गाइज मैं यहाँ पर इसका साउंड नहीं दे सकता,
आप मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है उस पर आप जाकर पोस्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करना है और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ये गाइस एक्सपोर्ट हो रहा है। सो गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि मैं नई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।